हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज भाई हमने, आपको याद हो तो हमने जो चैप्टर हमारा चैप्टर नंबर 12 है इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसको स्टार्ट किया हुआ है। इसके अंदर हम आगे चलते गए हमने एक, यानी कि इसके अंदर चार्ज एटरेस्ट को हम स्टडी करते आ रहे हैं। और इसके अंदर हमारे पास एक टॉपिक आया कैपेसिटर। फिर उस कैपेसिटर को हमने लास्ट टाइम, जो हमने लास्ट लेक्चर लिया उसके अंदर हमने देखा कि भाई जो कैपेसिटर होता है उसकी जो कैपेसिटी है, यानी कि दी एबिलिटी टू स्टोर चार्ज, वो किस पे डिपेंड करती है। और उसकी हमने कुछ डेरिवेशन करके हमने निकाला था कैपेसिटेंस, वो किसके बराबर आई थी, ए एप्सिलॉन नॉट डी। यानी कि हमने कहा था कि भाई आपकी टैंकी मीन कैपेसिटर की शेप मीन ज्योमेट्री पर डिपेंड करती है, ठीक है। फिर हमने एक नई ना अजीब सा एक फार्मूला लिखा था। वो फार्मूला अगर आपको याद हो तो वो फार्मूला कुछ यूँ था, एप्सिलॉन आर कैपेसिटेंस इन मीडियम ओवर कैपेसिटेंस इन वैक्यूम। तो ये वाली जो कैपेसिटेंस है, ये हमारे पास वैक्यूम में है और ये मीडियम में। तो मैंने कहा था इस चीज़ को मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा। तो अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो वो मैं इधर पिन कर रहा हूँ, आप उसे निकाल कर देखें और उसके बाद ये लेक्चर ले लें, ठीक है। साथ ही मैंने कहा था नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ डाई इलेक्ट्रिक है भैया जी। ये ज़रा हमारा टॉपिक है जो आज हमने देखना है, और साथ ही फार्मूले को भी ड्राइव करना है ये वाला, कि ये फार्मूला कैसे बनेगा, ठीक है जी। तो आइए ज़रा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब हमारा ये टॉपिक है तो सबसे पहले तो मैं आपको ये समझाऊंगा कि भाई पोलराइजेशन होता क्या है, यानी कि दी टर्म पोलराइजेशन, ठीक है। पोलर, ठीक है, पोल का मतलब होता है किनारे, दो पोल बन जाना, ठीक है। अब ये पोल कैसे बनते हैं, साथ ही हमने एक प्रीवियस लेक्चर में दो टर्म्स देखी थी। एक टर्म का नाम था इंसुलेटर और दूसरी टर्म का नाम था डाई इलेक्ट्रिक। और मैंने बड़ी बेहतरीन एग्जाम्पल आपको समझाई थी कि ऐसे समझ लो कि हर इंसुलेटर डाई इलेक्ट्रिक हो सकता है, लेकिन हर डाई इलेक्ट्रिक, ओहो गलत हो गया, सॉरी, हमने कहा था कि हर डाई इलेक्ट्रिक इंसुलेटर हो सकता है लेकिन हर इंसुलेटर डाई इलेक्ट्रिक नहीं हो सकता, ये कुछ कहा था, ठीक है। तो सेम उसी सेंस को आज हम एक्सप्लेन करेंगे कि भाई ये कैसे होता है। एग्जांपल मैंने ये दी थी कि एक स्कूल, मतलब कि हर टीचर, चाहे वो साइंस का टीचर है चाहे वो आर्ट्स का टीचर है, वो टीचर हो सकता है लेकिन हर टीचर साइंस टीचर नहीं हो सकता, ठीक है। सेम यही एग्जांपल को लेकर हम आगे चलेंगे। तो हमने ये भी देखना था आज के लेक्चर में कि जो इंसुलेटर डाइलेक्ट्रिक, ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं या सेम है, या हर डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर क्यों नहीं होता। तो इसकी सिंपल सी मैं इधर डेफिनेशन लिख देता हूँ या आपको बता देता हूँ, फिर हम एक्सप्लेन करते हैं कि डाइलेक्ट्रिक क्या होता है। डाइलेक्ट्रिक एक ऐसा इंसुलेटर है जो ये वाला फिनोमिना करेगा। ऐसे डाइलेक्ट्रिक को हम क्या बोलते हैं, इंसुलेटर। और ऐसा इंसुलेटर जो हमारे पास ये फिनोमिना नहीं करेगा, वो इंसुलेटर तो होगा लेकिन वो डाइलेक्ट्रिक नहीं होगा। लेकिन डाइलेक्ट्रिक क्या है, ऐसा इंसुलेटर जो पोलराइजेशन का फिनोमिना करेगा। पोलराइजेशन का क्या आता है, कन्वर्जन इनटू डाईपोल। डाई का मतलब होता है दो पोल्स में कन्वर्ट हो जाना, वो पोलराइजेशन कहलाता है। अब पोलराइजेशन को समझने के लिए हम सिंपल से एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं और फिर आपको पोलराइजेशन समझ आ जाएंगे। ये देखें भाई, ये मेरे पास है एक एटम या किसी भी चीज़ का कोई मॉलिक्यूल, और आपको अच्छी तरह पता है कि इसके अंदर इसके सेंटर में आपके पास न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के ऊपर एज अ होल कंबाइंड फॉर्म में एक बड़ा सारा पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज है और इसके बाइट साइड पर इलेक्ट्रॉन होते हैं, और आपको पता है कि एटम एज अ होल इज न्यूट्रल। किसी भी चीज़ का एटम हो वो एज अ होल क्या होता है, न्यूट्रल, ठीक है। मॉलिक्यूल भी मोस्टली और एटम्स भी, हमारे पास एटम तो स्पेशली क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप सपोज करो कि इसके गिर्द मैं एक पॉजिटिव चार्ज ले आऊँ, बड़ा हैवी करके एक पॉजिटिव चार्ज ले आऊँ, तो मुझे ये बताओ ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा। वो इस एटम के पॉजिटिव, यानी कि ये जो सेंटर में आपका इतना बड़ा सारा न्यूक्लियस है,
इसे तो वो अट्रैक्ट नहीं करेगा, बल्कि इससे तो कहेगा भाई तू मेरे से दूर जा, तू मेरी रेंज में ही क्यों है, तू मेरी फील्ड में ही क्यों है, तेरा तो बनता ही नहीं इधर। अच्छा, और इसे इलेक्ट्रॉन को कहेगा जानी तू प्यारा है, तू मेरी तरफ आ, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा और इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो ये शेप थोड़ी सी कन्वर्ट होकर कुछ इस शक्ल में कन्वर्ट हो जाएगी, ये वाली शक्ल। ए वो क्या करेगा, वो कुछ ये वाली पंगेबाजी कर देगा। क्या किया उसने, उसने सारे का सारा न्यूक्लियस को धक्का दे देना है और ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या करवा लेना है, अट्रैक्ट करवा लेना है। तो इलेक्ट्रॉन्स एक साइड पर हो जाएंगे मोस्टली, और जो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है वो सारा एक साइड पर हो जाएगा। ये नहीं होगा कि सारे इलेक्ट्रॉन उधर चलेंगे, यानी कि मेजोरिटी इलेक्ट्रॉन्स की काफ़ी हद तक इधर चली जाएगी और पॉजिटिव चार्ज एक साइड पर होगा, जिसकी वजह से इसकी इस पूरे एटम के ऊपर पहले चार्ज कितना था एज अ होल, न्यूट्रल, न्यूट्रल मीन जीरो। लेकिन जब ये वाला कांड हो जाएगा, ये वाला सारा मामला हो जाएगा, तो इसके बाद क्या होगा कि इसकी इस साइड पर एक हल्का सा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इसकी वजह से, और इस साइड पर एक हल्का सा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। टू इक्वल चार्जेस, ठीक है, इधर लिखते हैं टू इक्वल चार्जेस, आगे सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस कॉन्स्टिट्यूट डाइपोल। ये आपकी बुक की डेफिनेशन है भाई, कि भाई दो इक्वल चार्जेस, देखो अब आपको पता है कि जितने इधर पॉजिटिव्स होंगे, सॉरी नेगेटिव्स होंगे इस साइड पर, उतने ही पॉजिटिव की वजह से इधर पॉजिटिव पार्शियली पॉजिटिव आएगा, स्मॉल यानी कि वेरी स्मॉल अमाउंट का। लेकिन एज अ होल एटम अब भी क्या है, न्यूट्रल, यानी कि एटम के स्ट्रक्चर पर, शेप पर थोड़ा फर्क पड़ेगा, लेकिन अंदर अमाउंट चार्जेस की क्या रहेगी, सेम। बट फर्क क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी, जिसकी वजह से एक साइड पर हल्का सा नेगेटिव और एक साइड पर हल्का था, लेकिन जितना नेगेटिव आएगा उतना है पॉजिटिव, इक्वल चार्जेस। अब जाहिर सी बात है एटम का साइज बहुत कम है, क्योंकि वो -10, ठीक है, तो जिसकी वजह से एक स्मॉल डिस्टेंस पर ये दो चार्जेस आपस में सेपरेट हो गया, तो ये मिलकर क्या बना देंगे, डाइपोल, डाई मीन दो, पोल मीन दो किनारे, तो इसके दो किनारे बन गए, एक पर पॉजिटिव चार्ज और एक पर नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब है कि हम डाइइलेक्ट्रिक ऐसी चीज को बोलेंगे, ऐसे इंसुलेटर को बोलेंगे जिसके एटम्स इस तरह हो सके, और जिसके एटम इस तरह हो जाएंगे वो इंसुलेटर असल में क्या होगा, डाई इलेक्ट्रिक, ठीक है, इलेक्ट्रिक का मतलब चार्ज था, डाई का मतलब दो, दो चार्जेस वाला, तो दो चार्जेस वाला ही हमारे पास बन जाएगा, ठीक है। इस पूरे फिनोमेना को क्या कहते हैं, पोलराइजेशन, और जो इंसुलेटर पोलराइज हो जाएगा डाई इलेक्ट्रिक, हम कहते हैं, हम उस इंसुलेटर को कहते हैं दिस इंसुलेटर या दिस दी डाई इलेक्ट्रिक इज सेड टू बी पोलराइज, ठीक है। अगर मैं इसको ख़त्म कर दूँ इस पॉजिटिव चार्ज को, जाहिर सी बात है ये भी ख़त्म हो गया, तो क्या होगा, तो क्या होगा, चूंकि एटम अपनी रोटेशन को बरकरार रखे इलेक्ट्रॉन, तो एटम के पास अब कोई वजह नहीं बनती कि वो अपनी शेप को रखे, एटम वापस से इस शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। जब वो इस शेप में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये उसकी ओरिजिनल, हम कहेंगे भाई असल में एटम के चिब्बे से पान को हम क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब ज़रा देखते हैं कि हमने टॉपिक को अब बुक के मुताबिक कैसे देखना है। क्या हुआ कुछ यूँ था, लास्ट लेक्चर पे हम वापस कंटिन्यू लेते हैं और वहाँ से इसको अंडरस्टैंडिंग लेते हैं कि हुआ कुछ क्या था। कुछ तो हुआ है वही देखना है। ये हमारे पास भैया जी, आपके पास एक कैपेसिटर है और ये उसकी दो प्लेट्स हैं, ठीक है। आपने इस कैपेसिटर को कनेक्ट कर दिया है एक बैटरी के साथ, ठीक है, जिसकी वजह से इन दो प्लेट्स के ऊपर इधर हम लगा देते हैं वोल्टमीटर और ये वोल्टमीटर लग गया, ठीक है। अब हुआ कुछ यूँ कि जब आपने बैटरी को इधर, वेरिएबल बैटरी है, पॉजिटिव ये आपकी पॉजिटिव और ये नेगेटिव, आपने जब बैटरी से कनेक्ट किया तो इस साइड पर कौन सा चार्ज डेवलप होना शुरू हो गया, पॉजिटिव। अंदर की तरफ बना लेते हैं एक बार, और आपको पता है इसने इधर से इलेक्ट्रॉन पकड़ के इधर ला कर रखे, तो इस साइड पर नेगेटिव चार्ज। अब हमें पता है कि जितना ज़्यादा वोल्टेज बढ़ाऊंगा उतना ज़्यादा चार्ज इधर डेवलप होगा, यानी कि हमने इक्वेशन पढ़ी थी Q डायरेक्टली टू V, यानी कि जितना चार्ज इधर डेवलप होगा उतनी इधर वोल्टेज डेवलप होना शुरू हो जाएगी। तो चार्ज के बढ़ने से वोल्टेज, अब क्या होगा, एक ऐसा वक्त है जहाँ पर कैपेसिटर की क्या फुल हो जाएगी, कैपेसिटी का भाई ख़त्म, मेरी ज्योमेट्री देख लो, इससे ज़्यादा मैं चार्ज को स्टोर कर ही नहीं सकता। तो मैंने कहा, फिर उसने कहा सर अब आप बैटरी चाहे बड़ी कर दो,
जैसे ही बड़ी करोगे तो इसके दरमियान में जो स्पेस है यहाँ पर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हो जाएगा और सारे का सारा चार्ज मुड़कर इधर आ जाएगा, यानी कि हम एक लिमिट तक इसे कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। लेट्स सपोज हम उस लिमिट तक इसकी कैपेसिटर की उस लिमिट वोल्टेज तक पहुंच गए। अब क्या होगा, अब फर्दर जब आप इसको वोल्टेज दोगे तो वो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होगा और ये सारे का सारा, इनके एयर डिस्चार्ज हो जाएगी, कंडक्टिंग बन जाएगी और ये सारे का सारा, यानी कि आपने पढ़ी थी ना मैटर की फोर स्टेट, तो यहाँ पर मैटर गैसीय स्टेट में है, ठीक है, वो एयर डिस्चार्ज हो जाएगी जिसकी वजह से ये सारे का सारा प्लाज्मा की शक्ल, प्लाज्मा कंडक्टिंग है और ये सारे का सारा चार्ज इधर मूव हो जाएगा और वापस कैपेसिटेंस आपकी जीरो हो जाएगी, या तो कैपेसिटेंस कह रहा हूँ वोल्टेज ड्रॉप होकर जीरो हो जाएगी। हमने इसको लेट सपोज फुल चार्ज कर लिया। अब हुआ कुछ यूँ कि जब हमने इसे फुल चार्ज किया हुआ था तो लेट सपोज इधर वोल्टेज आ रही थी 10 वोल्ट, तो बुक ने ये बड़ी वाजह सी इमेज बनाई हुई है लेकिन उसने वैल्यू नहीं लिखी, उसने कहा फिर हमने इसके दरमियान में क्या रख दिया, इंसुलेटर, ठीक है, क्या चीज़ रख दी, इंसुलेटर, लेकिन इस इंसुलेटर का नाम क्या है, डाइलेक्ट्रिक। अच्छा कोई बंदा कहता है सर अगर इसके दरमियान में हम कंडक्टर रख दें, तो अगर आप कंडक्टर रखो तो कंडक्टर इस नेगेटिव को वापस पॉजिटिव की तरफ पहुंचा देगा, क्योंकि कंडक्टर का तो काम ही है कंडक्ट करना, तो इसका मतलब है वापस चार्ज जीरो हो जाएगा, वोल्टेज जीरो हो जाएगी। तो हमने ऐसी चीज़ रखनी है जो कैपेसिटर, इससे कैपेसिटर को चार्ज फॉर्म में बरकरार रखे, तो जो इधर से इधर जाने ना दे। हमने क्या रखा इसके दरमियान में, इंसुलेटर, याद रहे वो इंसुलेटर जो डाइलेक्ट्रिक है, पोलराइजेशन करता है, तो हमने ये रख दिया। ओ भाई, जब मैंने इस इंसुलेटर को, यानी कि इस डाइलेक्ट्रिक वाले भाई को इसके अंदर रख दिया, तो क्या हुआ, तो ये हुआ कि ये वाली वोल्टेज 10 नहीं रही बल्कि 10 वोल्टेज से क्या होना शुरू हो गई, ड्रॉप। तो उसने कहा सर इसकी लिमिटिंग वैल्यू थी लेट्स सपोज 10 वोल्ट, कैपेसिटर 10 वोल्ट तक चार्ज हो सकता था, तो उसके बाद आपने चार्ज किया, सर नहीं हुआ। मैंने कहा क्यों, उसने कहा सर इसकी लिमिटिंग वोल्टेज है। मैंने कहा ठीक है। फिर उसने कहा सर जब डाइलेक्ट्रिक हमने इसके अंदर रख दिया, इसके अंदर घुसेड़ दिया, अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि वोल्टेज 10 से कम हो गई, तो बैटरी तो 10 पे थी, बैटरी ने कहो भाई काम दोबारा शुरू कर दो, बैटरी ने दोबारा इधर से क्या किया, पॉजिटिव पकड़ा, इधर रखना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से कैपेसिटर के ऊपर वोल्ट दोबारा 10 हो गया। और वो लेकिन पहले तो वो कह रहा था सर पानी तो स्टोर ही नहीं हो रहा, अब उसने कहा सर टैंकी में और पानी कहाँ से स्टोर हो रहा है। मैंने कहा भाई अब टैंकी के अंदर कैपेसिटी बन गई, यानी कि असल में डाइलेक्ट्रिक को इधर रखने से यू इंक्रीज दी स्टोरिंग कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर, यानी कि जिसको हमारी जुबान में इधर क्या बोला जाता है, कैपेसिटेंस। इसका मतलब है कि हमने इसकी कैपेसिटेंस को बढ़ा दिया। अब समझना ये है कि इसकी कैपेसिटर, इसकी जो कैपेसिटेंस जो हमने बढ़ाई है, ये बड़ी क्यों है, इसके पीछे रीज़न क्या है, ठीक है, क्योंकि साइंस आपको पता लॉजिक पे चलती है। तो साइंस ये नहीं कहेगी वो जादू हो गया भाई, जादू कर दिया सर ने, नहीं, साइंस कहेगी भाई रीज़न, लॉजिक। अब वो रीज़न और लॉजिक अब हमने इस में ढूंढना है, तो ज़रा वो भी ढूंढते हैं, ठीक है, फिर हम इसकी एक जो डेरिवेशन है वो भी करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा अब हुआ कुछ यूँ था, अब मैं इसको उड़ा देता हूँ, अब हुआ कुछ यूँ था कि ये हमारे पास कैपेसिटर की 2 प्लेट है। उसने कहा ठीक है सर, उसने कहा सर इसको आपने किया था फुल चार्ज। मैंने कहा हाँ यार इसके ऊपर था, हम चलो इससे बना लेते हैं पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, नेगेटिव 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 नेगेटिव। उसने कहा सर ये पॉजिटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव नेगेटिव। मैंने कहा हाँ। उसने कहा सर आपने इसे किया था फुल चार्ज, तो इसके दरमियान में जाहिर सी बात, आपने कहा सर इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी थी। मैंने कहा जाहिर सी बात है अगर एक साइड पर पॉजिटिव है दूसरी साइड पर, तो पॉजिटिव से निकलेंगे नेगेटिव पर जाएंगे, माइकल फैराडे ने कहा दिया था। मैंने कहा हाँ भाई। अच्छा उसने कहा सर आपने क्या किया, ये नज़र नहीं आती ना, ये तो हमने बनाई है। उसने कहा सर आपने क्या किया, आपने इधर रख दिया डाइलेक्ट्रिक। मैंने कहा हाँ भाई। उसने कहा सर अब ज़रा सपोज करें, सिर्फ इतने टुकड़े को सपोज करते हैं, ये जो मैं हाईलाइटेड सा कर रहा हूँ डॉटेड सा, इतने टुकड़े को ज़रा सपोज करते हैं। मैंने कहा कर लो यार। उसने कहा सर इस टुकड़े में एटम होगा। मैंने कहा हाँ यार डाइलेक्ट्रिक का तो एटम होगा। उसने कहा सर ये आपका वही पॉजिटिव डंडा है, मैंने कहा जो पहले बनाया था हमने। उसने कहा जी सर, इसके सर ये जो एटम है ये पॉजिटिव की फील्ड में आया। मैंने कहा हाँ।
कहता सर ये अपनी शेप बरकरार रखेगा या चिब्बा हो जाएगा, जिसको हमने कहा था डिस्टॉर्ट हो जाएगा। उसने कहा सर ये तो चिब्बा हो जाएगा। कैसे चिब्बा होगा? ये कुछ यूं चिब्बा होगा। यूं का मतलब उसने कहा सर एक साइड नेगेटिव ले जाएगा और एक साइड पॉजिटिव। ओहो, मैंने कहा फिर? उसने कहा, मैंने कहा फिर अगले पे? उसने कहा सर ये पॉजिटिव बन गया इस साइड का, पहले तो ये न्यूट्रल था। तो ये अपने साथ वाले एटम को कहता जानी तू भी खुशी खुशी जिंदगी गुजार, मैं भी खुशी खुशी। अगला कहता मैं भी खुशी खुशी, उससे अगला कहता मैं भी खुशी खुशी। लेकिन जब इसने ये पंगा करना है पॉजिटिव नेगेटिव, तो इसने क्या पंगा करना है? इसने कहा ना मैं अगर हुआ हूँ ऐसे तो तुझे बख्श दूंगा। उसने कहा नहीं। उसने कहा लो, जिसकी वजह से यहाँ पर भी यही हो जाएगा काम। ये थोड़ा इसको ऐसे करके बना लेते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव। उसने कहा आगे वाला? उसने कहा सर ये भी ऐसे करेगा। फिर उसने कहा सर आगे वाला? उसने कहा ये भी ऐसे करेगा। तो हुआ कुछ यूँ कि ये हो जाएगा। और जो इस साइड पर था, अगर हम यही काम पॉजिटिव के बजाय नेगेटिव से शुरू करें, तो इस साइड का जो डंडा था, ये वाला जो हिस्सा था, इस वाली साइड ने क्या किया, नेगेटिव ने पॉजिटिव को पकड़ा, ये नेगेटिव हो गया, जिसकी वजह से ये आपका डाइइलेक्ट्रिक क्या हो गया, पोलराइज्ड हो गया। तो अब इमेज को ज़रा बड़ा करके बना लेते हैं इसी जगह पर, जैसे बुक ने बनाया कि ये लिया उसने पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, इसके दरम्यान में अब हम बना लेते हैं अपने, तीन तीन बनाए हैं बुक ने, हम भी तीन तीन बनाएंगे, हम क्यों ज़्यादा खपें। ठीक है, तो हुआ कुछ यूँ कि डाइइलेक्ट्रिक के एटम्स बहुत ज़्यादा होंगे भाई, बहुत ज़्यादा एटम्स होंगे, लेकिन चूंकि हम इतने छोटे लेवल पर जा नहीं सकते, इधर लाखों करोड़ बना नहीं सकते, तो हम सपोज कर लेते हैं मोटे मोटे तीन एटम। ठीक है, तो इसके अंदर इधर नेगेटिव पॉजिटिव 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 और ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो हुआ कुछ यूँ कि इस डाइइलेक्ट्रिक के एटम्स क्या हो गए, पोलराइज। मैंने कहा हो गया, ये भी क्लियर हो गया। अच्छा, उसने कहा सर अभी आपने ग्रीन लाइनें बताई, आपने कहा कि सर ये पॉजिटिव से नेगेटिव फील्ड लाइन्स हैं। मैंने कहा हाँ। तो उसने कहा सर ये आपको पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस नज़र आ रहे हैं। मैंने कहा हाँ यार। तो उसने कहा सर क्या ये फैराडे को ओबे नहीं करेंगे? मैंने कहा करेंगे। तो उसने कहा सर अगर ये ओबे करेंगे तो फिर इनकी फील्ड होगी? मैंने कहा हाँ यार इनकी फील्ड होगी। तो जब अगर इनकी फील्ड होगी तो इसकी फील्ड कौन सी थी? इसकी ये ग्रीन लाइन थी बड़ी वाली फील्ड, इसकी ये छोटी छोटी फील्ड्स हैं। अब ये तीन एटम्स की हैं, लेकिन इसके अंदर तो चूंकि लाखों करोड़ों होंगे तो हर एटम की छोटी छोटी फील्ड बनेगी। मैंने कहा बनेगी, क्योंकि छोटा सा डिस्टेंस है ना, वेरी स्मॉल डिस्टेंस, इसकी वजह से फील्ड बनेगी। तो हकीकत में क्या होगा कि ये आपकी बड़ी फील्ड लाइन थी, इस बड़ी फील्ड लाइन ने क्या करना है, इस बड़ी फील्ड लाइन के अंदर ये जो हमारी ब्लू लाइन की छोटी छोटी फील्ड हैं ये आपस में सम होनी शुरू हो जाएंगी। क्या होगा कि ये री ये री ये री। अब आपको पता है कि ये जो फील्ड्स हैं ई एन ई वन ई टू ये सारी जमा हो रही है ना, ई थ्री ई फोर अप टू ई एन, और इस फील्ड का नाम है हमारी का ई ग्रीन वाली, ये फील्ड ई। अब चूंकि ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर्स है ना, तो इन सब की फील्ड्स मिलके लेट्स सपोज हम एक फील्ड बना लेते हैं जिसको हम प्राइम कह देते हैं, यानी कि सारे वेक्टर्स एक ही डायरेक्शन में हैं तो आपस में हेड टू टेल रूल से ऐड हो जाएंगे। तो हम कहते हैं कि भाई इन सबको ऐड करने से एक इतनी सी फील्ड बन गई, इस फील्ड का नाम है जी ई प्राइम कह लेते हैं। अब ये फील्ड मेन फील्ड इस डायरेक्शन में और इन छोटे छोटे पोलराइज्ड एटम्स की फील्ड सारी मिलकर इस डायरेक्शन में, तो इन दोनों को जब आप जमा करोगे तो आपको पता है ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो जो नेट फील्ड बचेगी वो कितनी बचेगी, ग्रीन में से इतना हिस्सा उड़ गया तो क्या बचा, इतनी। ओहो भाई फील्ड कम होगी। उसने कहा क्यों सर इतना से हुआ है? मैंने कहा था यार जहाँ फर्स्ट ईयर पढ़ के आ, उस फर्स्ट ईयर में आपने कहा था कि वेक्टर की जो लेंथ होती है वो असल में उसके मैग्नीट्यूड को शो करवाती है, तो अगर इतना मैग्नीट्यूड उड़ गया तो मैग्नीट्यूड क्या हो गया, कम। मैग्नीट्यूड मीन मिकदार, इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड की मिकदार कम होगी। जब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की मिकदार कम हुई तो इसने क्या किया, आपका वोल्ट गिरा दिया। मैंने कहा इसने वोल्ट कैसे गिरा दिया? उसने कहा सर ये तो आपको पढ़ना पता होना चाहिए, वी इज इक्वल टू ई डी पोटेंशियल ग्रेडियंट, अगर ये कम होगा डी उतना ही, अभी भी इन दो प्लेट्स के दरमियान में डी अभी भी सेम है, लेकिन क्या काम हो गया, फील्ड। फील्ड काम होगी तो वोल्टेज काम हुई, तो इस वजह से आपकी वोल्टेज क्या हुई थी, ड्रॉप हुई थी। अच्छा बाकी चीज़ें पूछते हैं उससे कि बाकी चीज़ों पे क्या फ़र्क पड़ा। उसने कहा सर ये बताएं कि ये जो चार्ज है क्यू,
जो प्लेट पे था पॉजिटिव या नेगेटिव, इसके ऊपर जब आपने डाइइलेक्ट्रिक इसके अंदर इंसर्ट किया था, तो तब बताएं कि क्या डाइइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने से चार्ज पर कोई फर्क पड़ा? मैंने कहा यार डाइइलेक्ट्रिक ने ना इसको इधर से कुछ आने देना है ना इधर से, तो फिर इसका मतलब है कि चार्ज के ऊपर क्या हुआ? नो चेंज, चार्ज के ऊपर चेंज नहीं हुआ। और फील्ड के ऊपर, अब जाहिर सी बात है फील्ड आपको दिखाया था, इसका मतलब है कि अगर मैं इधर लाइन लगाकर इधर फैक्टर्स बना लेते हैं हम छोटे से, ई के ऊपर क्या हुआ डाइइलेक्ट्रिक रखने से? बड़ी के कम हुई, इसने इसमें इसमें से माइनस किया, तो फील्ड क्या हुई आपकी? डिक्रीज, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास वोल्टेज, ये वाली वोल्टेज, ये क्या हुआ, ये फील्ड के इन्वर्सली है। तो जब फील्ड के इन्वर्सली है डायरेक्टली है, तो फील्ड कम हुई तो वोल्टेज भी ऑटोमेटिकली ड्रॉप हुई, और जब वोल्टेज ड्रॉप हुई तो यहाँ पर वैल्यू कम हो गई आपकी लिमिटिंग से, और आपने दोबारा चार्ज को स्टोर करना शुरू कर दिया, ठीक है। अच्छा, कोई बंदा ना यहाँ पर एक सवाल कर सकता है कि भाई सर आपने तो फार्मूला बनाया है क्यू इज इक्वल टू सी वी, यही है भाई। अगर आप इसी को देखें, तो अगर इस इक्वेशन को देखें आपसे, तो C तो आपके पास है कांस्टेंट वैल्यू, ये तो ज्योमेट्री पे डिपेंड कर रहा है ना, तो जो V है ये इसके डायरेक्टली, इसका मतलब है अगर ये चेंज नहीं हो रहा तो फिर ये चेंज क्यों हो रहा है? हकीकत में हुआ कुछ यूं था कि उसने कहा सर अगर चार्ज चेंज नहीं हो रहा तो फिर V क्यों चेंज हो रहा है? V फील्ड के साथ चेंज हो रहा है, और अगर इस इक्वेशन को देखें तो इधर तो चेंज होना ही नहीं चाहिए क्योंकि चार्ज चेंज नहीं हो रहा। हुआ कुछ यूं कि असल में कैपेसिटेंस ने भी तो बदलना है, तो इन दोनों का आंसर फिर उतना ही आना है। लेकिन खैर इस चीज़ को हम छोड़ते हैं, एक बार साइड पे करते हैं, हम सिर्फ इसको देखते हैं कि भाई ये जो V है ये चेंज क्यों हो रहा है। पहले कुछ ये सिचुएशन थी कि जब ये डाइइलेक्ट्रिक नहीं होता था, ये अपनी हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारता था, और सारे चार्ज, जैसे आपने टग ऑफ वार खेल लिया किसी ने, वो रस्सी पकड़ के सारे बंदे उधर हैं सारे बंदे उधर हैं, तो सारे बंदे इधर वाले ये नेगेटिव ये रस्सी खींच रहे हैं मस्त, और उधर वाले पॉजिटिव सारे उधर रस्सी खींच रहे हैं। अब जब आपने डाइइलेक्ट्रिक डाला तो एटम्स आ गए, इनके छोटे छोटे चार्जेस आ गए, तो हुआ कुछ यूं कि जो बंदे इधर रस्सी खींच रहे हैं उनमें से कुछ बंदे तो इधर वाले डाइइलेक्ट्रिक के पार्टिकल से क्या करने लगे, इंटरेक्ट, तो उनकी कुछ इंटरेक्शन इधर चली गई, जिसकी वजह से रस्सी पे ताकत कम हो गई। जब रस्सी पे ताकत कम हो गई तो फील्ड की वैल्यू गिर गई, जिसकी वजह से फील्ड की वैल्यू गिरी, रस्सी के ऊपर तनाव की वैल्यू कम हुई, क्योंकि इंटरेक्शन इधर होने लगी ना इन सात वालों से। पहले तो ये था कि जानी सारी की सारी स्पोर्ट तुझे है, जिसकी वजह से एक अच्छा खासा डिफरेंस क्रिएट हुआ था इस जगह पर वोल्टेज इन दोनों के दरमियान में। लेकिन जब उन्होंने देखा कि भाई ये वाले बंदे आ गए, तो ये जो इस साइड पर चार्जेस थे वो इनके साथ भी इंटरेक्शन करने लगे, और इधर भी इधर भी इधर भी, तो जो इधर करने लगे उनकी जो इफेक्टिव वैल्यू थी चार्ज की इस वोल्टेज को बनाने में वो कम होगी, जिसकी वजह से वोल्टेज ड्रॉप होगी। ये फिजिकल आंसर आपको दे दिया मैंने, लॉजिकल आंसर, ठीक है जी। अब जरा इसकी करते हैं डेरिवेशन, जो कि मैंने आपको समझानी थी, जो कि बुक ने नहीं की हुई, ठीक है। तो कहानी ये थी पोलराइजेशन की, जो कि हमने क्लियर कर लिया, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब जरा वो छोटी सी डेरिवेशन है वो मैं आपको एक मिनट में करके दे देता हूँ, वो बड़ी आसान है, समझ आ जाएगी। अब उसने कहा सर कैपेसिटेंस हमने जो बनाई थी लास्ट लेक्चर में वो थी सी इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी। जब क्या था, दो प्लेट्स के दरमियान में एयर स्लैश वैक्यूम था। अब उसने कहा कि सर आपने ये इक्वेशन लिखी थी एप्सिलॉन आर सी मीडियम ओवर सी वैक्यूम, और आपने ये कहा था कि सी मीडियम एप्सिलॉन आर मल्टीप्लाई बाय सी वैक्यूम, और ये जो एप्सिलॉन आर है ये ग्रेटर देन वन है। तो जाहिर सी बात है अगर ये वैल्यू वन से बड़ी होगी, क्योंकि एयर के लिए वन है, तो एयर से बड़ा अगर आप कोई भी डाइइलेक्ट्रिक रखो तो उसकी वैल्यू वन से बड़ी होगी। जब बड़ी होगी तो ये बड़ी वैल्यू इससे मल्टीप्लाई करेगी, तो कैपेसिटेंस है वैक्यूम में एयर में, तो जब आप कोई डाइइलेक्ट्रिक रखोगे तो इसका मतलब है आपकी कैपेसिटेंस क्या हो रही है, बढ़ रही है। अब हुआ क्या कि अगर आप स्टार्ट करो तो आपने पढ़ा था क्यू इज इक्वल टू सी वी, तो सी इज इक्वल टू क्या पढ़ा था, क्यू ओवर वी, याद आया। और यहां से आपने पढ़ा था वी इज इक्वल टू ई डी, याद आया। अब इसी को थोड़ा और नीचे ले जाओ तो ई आपने पढ़ा था सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, याद आया। अब यहां पर अगर आप पीछे जाओ वापस गोजेज में, तो ये एप्सिलॉन नॉट वो था, अगर आपकी इधर कोई मीडियम आ रहा है तो इस ई के ऊपर एक फैक्टर और इन्वॉल्व हो जाएगा। वो ई के ऊपर फैक्टर क्या इन्वॉल्व हो जाएगा,
वो आ जाएगा इसके साथ एप्सिलॉन आर, यानी कि रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाएगा। और क्यू आपने पढ़ा था सिग्मा ए याद आया, तो ये सिग्मा ए था। अगर आप इनमें वैल्यूज पुट करें तो आपका आंसर क्या बनेगा, सी मीडियम क्यू सिग्मा ए सिग्मा एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट और ये ई वाला जो आपके पास इधर ये वाला जो डी है यह सच वैसे ही आ जाएगा। ये इससे कट गया तो जो नई कैपेसिटेंस आई सी मीडियम वो क्या बनी, ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ओवर डी। तो इधर से क्या आप एप्सिलॉन आर को कॉमन ले लो तो क्या बनेगा, ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी। तो ये क्या आ जाएगा एप्सिलॉन आर, और ये क्या चीज़ थी, सी वैक्यूम इंटू सी मीडियम, और यहाँ से एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू आ जाएगा सी मीडियम ओवर सी वैक्यूम। तो इसका मतलब है कि अगर आपके पास किसी कैपेसिटर, किसी भी कैपेसिटर की वैक्यूम में कैपेसिटेंस है, लेट्स सपोज आपके पास 10 माइक्रोफेरेड है, ठीक है, और आपने उसके अंदर उसकी प्लेट्स के दरमियान में कोई इंसुलेटर आपने रख दिया, ठीक है, और उसकी लेट्स सपोज 2 है, तो जब आप इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो मीडियम की आएगी वो इससे मल्टीप्लाई तो 20 माइक्रोफेरेड आएगी, क्योंकि कैपेसिटेंस डिपेंड किस पे करना शुरू कर देगी, आपके मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी पर, ठीक है। ये था आपका पूरा लेक्चर इफेक्ट ऑफ पोलराइजेशन ऑन डाइलेक्ट्रिक, जिससे कैपेसिटेंस बढ़ती है और सारी कहानी चेंज हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक करें सब्सक्राइब करें और शेयर तो करना ही है फिर।